एक की हत्या, 10 गाड़ियां फूकी। औरंगाबाद जिले के देवथाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुदी बिघा गांव में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया। नक्सलियों ने गांव में लैंडमाइंस विस्फोट करते हुए कई घरों पर जमकर गोलियां बरसाई। अचानक हुए इस हमले को लोग समझ पाते तब तक वहां सब कुछ उजड़ चुका था। नक्सलियों ने गांव के ही नरेंद्र सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक नरेंद्र सिंह बिहार विधान पार्षद राजेंद्र कुमार सिंह के चाचा थे। नक्सलियों ने इस दौरान नरेंद्र सिंह के दरवाजे पर लगे 3 ट्रैक्टर को फूंक दिया। देवसुदी बिगहा में हमला करने के बाद नक्सलियों का जत्था देवकेटा की मुख्य मार्ग गोदाम पर बस संचालक सुनील कुमार सिंह की 4 बड़ी बस, 1 टेकर, 1 कार और बाइक को भी फूंक दिया। नक्सलियों ने इसी दौरान जमकर फायरिंग और नारेबाजी की। सुदी बिगहा गोदाम मोड़ के नजदीक देव थाना के दफादार धनंजय सिंह का घर फूंक दिया और वहाँ पास में ही मौजूद एक फर्नीचर की दुकान को आग के हवाले कर दिया। इस आग लगी में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। नक्सलियों के हमले की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और देव थाना की सीआईटी टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस और नक्सलियों के साथ जमकर मुठभेड़ हुई। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली फायरिंग करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।